अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैर ऐसे होंगे। आ गया यार, अच्छा छाट दो ना एक मिनट यार, ये वाला चूजे ना माशाल्लाह, अभी चेक करो, बिल्कुल फिट हो गया ये वाला। अभी कहाँ अंदर चला गया, बाहर आ जा, ये आ गया, ये आ गया, बिल्कुल फिट हो गया ना। अभी दिख रहा है आपके सामने माशाल्लाह, कैसे उछल कूद रहे। इसकी हालत इतनी ख़राब थी, गिर रहा था आगे पीछे। जिस बीमारी से हमने इसको रिकवर किया है ना, वो हमें ही पता है, और सिर्फ इसी चूजे को पता है कहाँ गया है। ये रहा वो घूमने वाला, पूरी देखो। अरे भाई क्या हो गया, मेरे ही आपको काटने पे लगी हुई है। चूजे भी चूजों के भी पर खुले हुए, मुर्गी के भी पर खुले हुए, और आज हमारे पास एक स्पेशल चीज़ आए हुए, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखो माशाल्लाह, अरे है, थोड़ा वाजी तो निकाल के दिखाओ ना यार। हाँ भाई सुनते हैं, बात सुनते हैं। और गाइस ये भी देख लो, हमारे पास बिल्कुल ऐसे पैर आ चुके हैं ना, अंदर देखो इन्हें अपना नेक्स्ट वगैरह भी बना दिया। कुछ ही टाइम है इंशाल्लाह ये अंडे भी दे देंगे। ये देखो बिल्कुल पैर परफेक्ट जोड़ा लगा हुआ है इनका, ऊपर वाला मेल है ये वाला, और ये फीमेल है जो ये अभी ऊपर आ रही है। माशाल्लाह ये चेको फुल जोड़ लगा हुआ है इनका। अब मुझे ये बात बताओ यार, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको हम ये अपने मास्टर केज में छोड़ दें। तो बुलबुल भी साथ में बैठे हुए भाई, इनको अपने मास्टर केज में छोड़े या यही पिंजरा हम आगे पीछे कहीं दीवार में लगाए और इसकी सेटिंग कर लें। अब ये मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर, या तो इसको कहीं दीवार पे कील लगा के इसको लटका देंगे, इनको हम बॉक्स को लगा देंगे मास्टर केज में कहीं पर, और इनको हम मास्टर केज में अपने छोड़ देंगे अपने और परिंदों के साथ। यार बजरी तो हमारे पास बजरी भी थे, हमने इसलिए हटा दिए थे क्योंकि उसने फिंच के बच्चे खा लिए थे 2 मरतबा। ये जो वाइट वाले फिंच ने, इन बेचारों के 2 मरतबा उसने बच्चे खा लिए थे, इसकी वजह से हमने बजरी हटा दिए। अब इनका हमें पता नहीं है कि ये मतलब ये फिंच के बच्चों को कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या दूसरे परिंदों के नेक्स्ट में घुसेंगे या नहीं घुसेंगे। यार वो क्या करते थे, औरों के नेक्स्ट में घुस के उनके बच्चे उठा के खा लेते थे, इसलिए मैंने सारे हटा दिए, ख़त्म कर दिए। अभी हमारे पास ये बुलबुल है, फिंच वगैरह यही चीज़ रखे हुए फ़िलहाल, और इंशाल्लाह मजीद कोशिश करेंगे अपना मास्टर केज भरने के लिए। ये तो सर्दियाँ आजकल बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने पर्दे वर्दे लगाए पिंजरों के लिए। ये हम बिल्कुल सही कर देंगे, ये चादर ना बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा ये पिंजरे के ऊपर। तो अंदर जो ये जगह, ये जो जगह बच रही है हमारे पास, तो यहाँ पर हम कील लगाएंगे इनको, हम ये जगह दे देते हैं बिल्कुल, एक साइड पर भी होंगे, और ये कि इंशाल्लाह अंडे बच्चों में भी कोई मसला नहीं आएगा, एक साइड पे होंगे, आराम सुकून से अपने अंडे बच्चे करेंगे। और इस सांप को देखो कैसे लेटा हुआ है भाई, मज़े ले रहे हैं। हमें मास्टर केज में एक और बार फिर खुशखबरी मिल चुकी है, हम आपको दिखाते हैं। वो देखो यार माशाल्लाह, ये शेखर पहले इन लोगों ने नीचे नेक्स्ट बनाया था, अब ऊपर बनाया इन लोगों ने। अंदर जाके देखते हैं इसने अंडे डाले या वैसे ही बैठी हुई है फिलहाल। और हमारे ये मुर्गी फिर कुरीजों में आ चुकी है यार, ये चेक करो, पूरा दुम शुम सब कुछ गिरा दिए इन लोगों ने। माशाल्लाह बच्चे इसके अभी बिल्कुल तीनों फिट फाट है, ये लोग दाना शाना खा रहे। तो हमने इस वाले चूजे को हमने अंदर ही छोड़ दिया था, क्योंकि यार ये परिंदे जितने भी हैं ना, जितने भी हमारे परिंदे छोटे मोटे जितने भी हैं, इसको कुछ नहीं बोलते और इससे डरते हैं, और ये भी इसको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि यार इसके पीछे अपने आप लोगों को पहले भी दिखाए थे, देखो ज़ख्म है। तो इसकी वजह से मैंने इसको यहाँ छोड़ा है, अकेले घूमता फिरता रहेगा, मिट्टी भी है, दाना वाना सब कुछ मौजूद है, खाता पीता रहेगा। तो यहाँ पर ये इंशाल्लाह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। देखो लगा हुआ अपना दाना पानी कर रहे हैं। यार फर्स्ट टाइम हम ये देखते हैं इसने अंडा डाला है या नहीं। जगह तो इन लोगों ने माशाल्लाह बड़ा प्यारा बनाया अपने लिए यार। माशाल्लाह डाला हुआ है, एक ही अंडा है। ये कहाँ सर कहाँ गया इसका? अच्छा ये रहा इसका, फिर डर रही है इसको, हम आराम से बैठने देते कि इस बार इससे बच्चे निकल आए। पिछली मरतबा तो एक ही अंडा दिया था, इतना छोटा था, अब तो माशाल्लाह बड़ा अंडा है हमने देख लिया। इंशाल्लाह इससे बच्चा निकलेगा, अभी तो एक है, आज या कल में दूसरा अंडा भी आ जाएगा। ट्रे वाला है ना, ये एक ही बच्चा हुआ है, ये देखो इसका जो मेल था, इसका जो मेल था वो नहीं दिख रहा मुझे, मैंने पूरे केज में देख लिए, कहीं नहीं मिला मुझे। या तो कहीं ऊपर छोटे मोटे सुराख है, या तो यहाँ से निकल गए। अगर मर भी गया होता तो मैं नीचे काफ़ी देखे, छोटे मोटे कोने देखे, या पे
कहीं पे मुझे वो नहीं मिला, तो पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ, गायब हो चुका है अचानक ही पिंजरे से। या तो आते जाते वाले टाइम गेट से निकल गया होगा बाहर, मतलब पता नहीं चला कि कहाँ आ गया, कहाँ गायब हो गया। हमारी जो कबूतरी थी ये पट्टी, ये पूरी की पूरी मादी बन चुकी है। अब इसके लिए हम नर लेकर आएंगे और इसके अंडे बच्चे लेंगे। ये देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। लो ये अभी पूरे 2 महीने की हो चुकी है, अब इसके साथ नर लगाएंगे, कुछ ही हफ्ते 2 हफ्ते में अंडे भी दे देगी। हमारी जो लाल वाली मुर्गी है, बेवफा मुर्गी, वो फिर से कुड़ुक हो गई है। अब सोच रहा हूँ कि उसके नीचे अंडे रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि उससे पहले भी अंडों के लिए बच्चे छोड़ दिए थे, सारे के सारे मर गए। तो माशाल्लाह इनका भी बहुत ही पक्का पैर लगा है, कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ये भी अंडे डाल देंगे। 2 ये घूम रहे, ये दोनों बिल्कुल पक्का पैर हो चुके हैं। जब मैं लाया था ये बच्चे थे तो समझ से बाहर था कि यार कब अंडे देंगे, कब अंडे देंगे। अभी इनका पैर लगा है, अभी देखने को मिलता है कि हाँ ये वाकई में कोई जोड़ा हो चुका है एक दूसरे के साथ। और एक ये नीचे बैठे हुए वो रहे, यार इसमें से एक का पर टूटा हुआ है, ये जो बैठा हुआ है ना इस साइड वाला, इसका पर टूट गया, ये दूसरा सेट है। इनका भी बिल्कुल ही पक्का पैर लग गया है। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में ये दोनों पैर अंडे दे देंगे। हाँ भाई, आप यहाँ पर कोई मसला तो नहीं हो रहा आपको? हेलो सर, इलाज ये बोलते हैं नहीं हो रहा। चलो इधर खुश है तो खुश रहो, चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं आप लोगों को भी मुर्गी दिखाते हैं। लाल वाली फिर से कुड़ुक हो गई, उसके सोचते हैं उसके बारे में करना क्या है उसका। ये वाली लाल मुर्गी कुड़ुक हो चुकी है फिर से, अब इसके साथ क्या कर यार, अंदर चलते हैं, अंदर जाओ। हाथ में नहीं आई, अभी बैठी हुई थी, हमने अंदर उसके जगह बनाया हुआ है। वो यहाँ से घुसती है नहीं है, ये देखो फिलहाल कोई अंडा नहीं है। ऊपर सस्ते जगह बनाया हुआ, यहाँ से अंदर हो जाती है, अंडे दे के नीचे चली जाती है, फिर हम अंडा यहाँ से आराम से उठा सकते हैं। वरना यहाँ से कौन अंदर जाएगा अंडा उठाएगा, यार गेट भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं अंदर आ भी नहीं सकता। तो गैस ये वही वाला मुर्गा है जो हमारे साथ स्कैम हो गया था, हमने पीला मुर्गा मंगवाया था, हमें मिस्री मुर्गा मिल चुका था, टरला मुर्गा जिसको कहते हैं। और इस टरले में और ये जो हमारे साथ स्कैम हुआ है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम मुर्गे। ये हमने अभी अपने कज़न को दे दिए, मिस्री मुर्गियों के साथ छोड़ा हुआ है, बस अंडे वंडे ले रहे उससे, और तो किसी काम का नहीं है मुर्गा ये देखो। चलो बस स्कैम हो गया, कोई मसला नहीं है। मगर 2-3 बंदे थे जो बता रहे थे कि भाई ये अहमद रावलपिंडी के मुर्गे हैं। मैंने पहले बताऊं भाई, अहमद रावलपिंडी को मैं बिल्कुल नहीं जानता, और दूसरी बात यह कि जिस बंदे से मैंने बात की थी, डील की थी, वो रावलपिंडी का ताई नहीं, वो बंदा मुल्तान का है। अब अहमद रावलपिंडी को तो मैं जानता नहीं हूँ, बात होती है ज़बान की, सही है, जो उन लोगों ने पूरी नहीं की, जो इन लोगों ने पता नहीं कौन सी चीज़ भेज दी है। बात 5-6 हज़ार रुपये की नहीं है, 10 मुर्गे जाएँगे तो 20 मुर्गे इससे अच्छे आएँगे। तो गाइस ये वाली जो चुड़ियाँ हैं ना, ये वाली यार ये बहुत ही बेकार ही चुड़ियाँ हैं, क्योंकि यार मैंने अभी देखा फाख्ते उठे थे, तो ये इसके अंडे को गिराना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। तो यार ऐसी चीज़ को हम केज में नहीं रखना चाहते कि हमारा नुकसान करे, इसको हम पकड़ते फिलहाल पिंजरे में बंद कर देते इस वाले में, देखते हैं। मैं तो कहता हूँ उसको आज़ाद ही कर दूँ तो अच्छा है, तो जैसे मैं इसको पकड़ रहा हूँ, वरना मेरा कोई मेरा क्या काम है, इसको घूमने देते आराम सुकून से, क्या दाना ही खा रहे थे ये लोग भी, इनको भी दाना खिलाते। मगर ये कि अभी बहुत ही गंदा काम करने लगे थे, इसकी वजह से मैं इनको फ़िलहाल पहले बंद करता हूँ, बाद में मैं इसको आज़ाद कर दूँगा। अब पहले इसको पकड़ते हैं, एक तो वो अंदर चला गया, वो इजी हाथ आ जाएगा, ये जो बाहर घूम रहा है ये रहा, देखो इसको पकड़ते हैं। गाइस यकीन मानो इसने बहुत ही ज़्यादा तंग कर दिया, इसकी दुम भी निकल गई है, देखो यहाँ भी पड़ी हुई इसकी दुम भी है, देखो सारी बहुत ज़्यादा तंग किया इसने। और इसका एक जो पार्टनर है वो तो अंदर ही है, तो उसको हमने पकड़ लिया था, वो इजी हाथ आ गया था, मगर ये नहीं आ रहा था, ये देखो, मगर ये हाथ नहीं आ रहा था, उसको अंदर छोड़ के। अरे भाई भाई गेट खुल गया था, चलो ये दोनों अंदर चले गए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको आज़ाद कर देंगे। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना हमारे आइए बर्ड लव चैनल को, सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़। ये आज के दिन के मेहमान हैं ये दोनों, ये देखो ऊपर चढ़ रहे नीचे आ रहे, कल इंशाल्लाह हम इनको आज़ाद कर देंगे।